मैं हां तुहाडे नाल प्रकाश फुलारा ते तुसी वेख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। पंजाब सरकार दे वलो बजट दे विच महिलावां दे लई एक वड्डी घोषणा की गई है। कहा जावे तो सरकार ने महिलावां नू एक वड्डा तोहफा दे दिता है। ऐलान किया गया कि पंजाब दियां सारियां सरकारी बसां दे विच सफर करन वाली महिलावां नू हुण टिकट दे पैसे नहीं देने पैणगे। यानी कि महिलावां पंजाब दी सरकारी बसां दे विच बिना रोक टोक दे फ्री बस सफर कर सकदियां। सरकार दे इस ऐलान तो बाद महिलावां दे विच खुशी तां बहुत वेखी जा रही है, लेकिन इस दे नाल ही सरकार दे इस कदम दे उत्ते सवाल भी उठने शुरू हो गए ने। सिर्फ और सिर्फ पंजाब दे लोकां नूं 4 साल तां पहलां पंजाब सरकार सीधे मत्थे जहर दिंदी रही, हुण ओह जहर है जिहड़ा ओह चाशनी दे विच लपेट के देता, क्योंकि चोणां दा साल है, इस करके लोकां नूं गुमराह करन वाली गल्लां जिहड़ियां कर आ जिहड़ी औरतां नूं बस सफर फ्री दी गल पिछली बार भी कीती गई, ऐतकी भी कीती गई, बार 50% दी गल कीती गई, इसकी पूरा करता क्योंकि 50% भी इंप्लीमेंट नहीं होया। ओह कहिंदे 50% किहड़ा कीता, उही आ जदों गल्लां दा कड़ा बणाउणा फिर मिठा घट के पाउणा, जदों गल्लां बातां नाल ही सारना फिर 50% की। पर जे फर्ज कर लो ऐतकी कर भी देंदे आ, फर्क की पैंदा, ये दसो वो करनगे तो कितों करनगे? कोई सरकार की इनकम का इन्होंने वादा किया? कोई सरकार की कमाई च वादा किया? महिलावां नूं फ्री बस सफर की सहूलियत का ऐलान दे असी विरोधी नहीं हाँ, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जिहड़ा PRTC महकमा इस वेले घाटे दे विच चल रहा है, जिहड़ा महकमा कर्मचारियों की सैलरी तक 2 किश्तां दे विच देण लई मजबूर हुंदा है, जिस महकमे दे उत्ते कर्मचारियों का करोड़ों रुपया बकाया पिया होवे, आखिर फिर बस सफर दे नाल उस महकमे का घाटा किवें पूरा किया जा सकता है? क्योंकि सरकार दे वल्लों PRTC नूं पहलां तो फ्री सफर की सुविधा बकाया करोड़ों रुपया समय सिर नहीं भेजा जा रहा, तो PRTC घाटे का सौदा बनया होया है। जेकर अज आपां गल करिए PRTC दी, तां फिर सरकार दे अपने विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने यह दस्या है PRTC करीब 500 करोड़ रुपए दे घाटे दे विच है। इस तो अलावा कुछ आंकड़े जिहड़े सानू मिले ने उसके अनुसार यह है कि कोरोना काल के कारण 100 करोड़ का घाटा PRTC नूं होया सी। सितंबर 2020 दे मुताबिक पहला हर महीने 45 करोड़ रुपए की कमाई PRTC नूं होंदी सी, लेकिन सितंबर 2020 दे मुताबिक ही हुण कमाई हर महीने 14 करोड़ रह गई है। एक वड्डा सवाल है कारपोरेशन की गल करिए यानी कि PRTC दी, तां फिर उसके उत्ते कर्मचारियों का करीब 55 करोड़ रुपए बकाया पै। यह जिहड़ा 55 करोड़ रुपया है यह कर्मचारियों नूं कारपोरेशन ने देना है। 31 मार्च तक कर्मचारियों का यह जिहड़ा पेंडिंग हैगा यह 25 तो लैके 26 करोड़ रुपए के विचकार होने का खदशा जताया जा रहा है कि PRTC इस 31 मार्च तक 25 तो 26 करोड़ रुपए होर पेंडिंग कर्मचारियों का PRTC के उपर हो जाएगा। योजे हालात के डीजल की जे आप गल करिए, क्योंकि बिना डीजल के बसा नहीं चल सकदियां, लिहाजा डीजल ते जो खर्चा हर महीने 55 लाख रुपया आंदा सी, लगातार डीजल दे रेट वधे रहे, उस दे कारण हुण ये वध के 63 लाख रुपया हो चुका है। यानी कि हुण डीजल बसां दे विच पाउण दे लई 63 लाख रुपए का खर्चा हर महीने PRTC नूं चकना पै रहा है। इन्हां सारियां चीज़ां दे विचकार जेकर गल करिए कर्मचारियों की, तां फिर PRTC दे 4000 कर्मचारियों ते 4700 पेंसरां दे लई PRTC नूं हर महीने करीब 20 करोड़ रुपए की जरूरत पैंदी है। इस तो अलावा बादल सरकार दे वेले एक प्रोग्राम शुरू होया सी संगत दर्शन का, फ्री दे विच बसां तो सवारियां भर के संगत दर्शन फ्री ते करवाया जांदा सी, कोई पैसा नहीं लिता जांदा सी। इस संगत दर्शन सहित कैप्टन हुकूमत दे जिहड़े विशेष गेड़े लगे ने, उन्हां दा 9 करोड़ रुपया बकाया हाले तक PRTC नूं नहीं दिता गया। पर सरकार नूं एक जिवें कह सकदे आपां
मतलब भिखारी बनाउंदी है सरकार, ठीक है जी। सरकार इनकम सोर्स वधावे, नौकरियां वधावे, सरकार जे नौकरियां वधाउ लोक आपदा कमाउण आपदा खाण, किसे तो भीख ना मंगनी पवे। हुण एक रायत लैणी सरकार तो कोई चंगी गल नहीं गई, पर कल्ला एक बर्डन पाउणा इक्को चीज़ दे उपर सरकार नूं ही घाटा पाउणा, उह चीज़ गलत है सर। लोकां नूं समर्थ बनाउणा चाहीदा, गवर्नमेंट नूं सवारियां भा लैंदो क्योंकि उन्होंने भी आपकी कमाई करनी है, उन्होंने जाके उपर ऑफिस दे विच आपदे पैसे पूरे देने आ सर, इस करके वह भी सानू रोकदे आ। हुण इन्हां ने भी चलो रोकना, पर ठीक है बाद चो असीं भी इन्हां बसिस ते ही जांदे आ, पर सरकार नूं उस चीज़ का घाटा पैंदा है। अजे तो गलती जापदा, अजे गलती इस तरह ना कोई बिल माफ करने है, ना कुछ, ना कोई इन्हे जो भी जो पैलियां पुलियां दे फैसले है कोई फैसले नहीं लैने। तुहानू किन्नी कु मदद जी सौखा होगा, तुहानू किन्नी कु सहूलत होगी? ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ जुलाई 2020 दे आंकड़े दे मुताबिक पीआरटीसी हर महीने मुफ्त सफ़र करन वाले दे 10 करोड़ दा बिल सरकारी विभागों नूं भेजदी है। ये हाले तक दे आंकड़े ने, ये जिहड़ा 10 करोड़ दा जिहड़ा बिल हैगा है, इस दे विच महिलावां नूं मुफ्त सफ़र करन वाली हाले बिल नहीं हैगा, क्योंकि हाले सिर्फ ऐलान होया, नोटिफिकेशन निकलनी हाले बाकी है। उस समय दौरान पीआरटीसी दा 2500 करोड़ सरकार दे वल्लों बकाया पिया होया सी। कोरोना काल तो पहला जो लॉकडाउन नहीं सी, उस वक्त पीआरटीसी दी जिहड़ी आमदन सी जो रोजाना करीब 1.5 करोड़ सी, ओहो लॉकडाउन खुलन तो बाद जो बसां चलनियां शुरू होईयां तां उस वेले 46 लाख रोजाना हो गई। 1.5 करोड़ तो 46 लाख होई है पीआरटीसी नूं घाटा पिया। पीआरटीसी दा बेड़ा पहला तो ही घाटे दे विच चल रहा है, ते इहो जी हालात दे विच इह समझिया जा सकदा है कि आखर हुण सूबे दी महिलावां नूं मुफ्त बस सफ़र दा तोहफा देण दा ऐलान किन्ना भारू पीआरटीसी ते पंजाब सरकार दे उत्ते पै सकदा है। लेकिन जे सरकार ने किसी भी तरह दा कोई ऐलान कीता है, तां इस गल नूं सरकार ने ध्यान दे विच रख्या होवेगा कि आखर मुफ्त बस सफ़र वाला यह भुगतान किस तरह नाल ओह पीआरटीसी नूं करेगी। हालांकि इस तो पहला सरकार ने महिलावां नूं सफ़र किराया 0.5% देण दा ऐलान किया सी। महिलावां नूं पिछले साल यह ऐलान किया गया सी कि सफ़र दे विच जो भी औरतां महिलावां सफ़र करन गया उन्हां दी जिहड़ी टिकट है वह अद्धी लगेगी, लेकिन हाले तक वह फैसला लागू नहीं होया ते नवां बजट आ गया ते नवां ऐलान हो गया। लेकिन जदों उस भी पूरा नहीं होया तां फिर सरकार नूं लैके सवाल ये उठ रहे ने कि हुण मुफ्त बस सफ़र वाला जिहड़ा महिलावां नूं एक ऐलान किया गया, तोहफा दिता गया, कि ओह इत्थे लागू होवेगा? सिर्फ जे गल करिए तां जिहड़ी अद्धी टिकट वाला जिहड़ा फॉर्मूला हैगा उह सिर्फ उहदे छोट सिर्फ 60 साल तो ज़्यादा दी बुजुर्ग महिलावां नूं हैगी है, उहनां नूं ही किराए दे विच 50% छोट मिलदी है, अद्धी टिकट लगती है। लेकिन कारपोरेशन दे माहिर सानू ये गल दसदे ने, उन्हां दे मुताबिक ये है कि 16 करोड़ दे करीब हर महीना जिहड़ी कमाई हुंदी है ओह इकल्लियां औरतां दे सफ़र तो हुंदी है, एक आंकड़ा साडे तक पहुंचा है। जे हुण गल कर लिती जावे कि सफ़र जदों महिलावां वास्ते फ्री हो जाएगा, उन्हां दी कोई टिकट नहीं लगेगी, फिर सवाल यही बार बार आउंदा है साडे ध्यान दे विच कि जड़ा हर महीने महिलावां तो इकलिया कमाई जड़ी 16 करोड़ दी टिकट दे राही हुंदी है, आखर ओ कमाई बंद हो जावेगी पीआरटीसी नू हर महीने 16 करोड़ दा एक घाटा, या कह सकदे तुसीं कमाई दे विच 16 करोड़ माइनस हो जाएंगे, उहदी कमाई है बंद हो जाएगी। अजे हालातां दे विच सवाल यही उठता है कि कित्थे औरतां नू फ्री सफ़र पीआरटीसी नू हुण करजाई ना बना दे, ते यह फैसला जेड़े सवाल जेड़े पीआरटीसी दी इस नवी
स्कीम नू लै के उठ रहे ने, पंजाब सरकार की स्कीम नू लै के उठ रहे ने कि कित्थे फ्री बस आला जेड़ा सफ़र है वह PRTC विभाग कारपोरेशन नू होर करजई ना बना देवे। इन्हां सवालों का जेड़ा जवाब हैगा वह सरकार ने देना है, लेकिन हाले सरकार दे वल्लों सिर्फ इन्ना कु जवाब दिता जा रहा है कि उन्होंने इस पूरी स्कीम दे वास्ते 150 करोड़ रुपया रखा है। लेकिन वेखना यही होगा कि आखिर जे ये स्कीम लागू हो जाती है फिर PRTC नू अदायगी किवें होंदी है। फिलहाल हुंदे वास्ते नई होर ताज़ा तरीन खबरों लई तुसी वेखदे रहो स्काई न्यूज़ पंजाब।